माता पिता की गैर मौजूदगी में दो मुस्लिम युवकों ने एक दलित कुसेरी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता को मोबाइल दिलाने का लालच दिखाकर युवक उसे अपने साथ कार पर बिठा ले गए और चलती कार में उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे बाजार में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता पैदल ही अपने घर पहुंची और दूसरे दिन जब उसके परिजन लौटे तो उन्होंने घटना की जानकारी पता चली। उसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर दोनों आरोपियों आरिफ व रिजवान के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी पूर्वी ने बताया कि पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि वह अपने पति के साथ 7 सितंबर को मायके गई थी। घर पर उसकी 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। बेटी को अकेला देख आरिफ और रिजवान नाम के दो युवक उसे मोबाइल दिलाने के बहाने कार पर बिठा ले गए और उसके साथ चलती कार में बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे बाजार में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता पैदल ही किसी तरह अपने घर पहुंची। दूसरे दिन जब वह अपने पति के साथ वापस लौटी तो बेटी ने उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी मोहम्मद आरिफ निवासी पंतनगर 420 कोतवाली नगर व मोहम्मद रिजवान निवासी भगवतीगंज जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत ने बताया कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और आरोपियों के सैंपल भी लिए गए हैं। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटना में प्रयुक्त कार जिसे मोहम्मद आरिफ चलाता था उसे भी बरामद कर लिया गया है। काल दिनांक 8 सितंबर 2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक महिला ने लिखित सूचना दी थी। उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दो आरोपी द्वारा, जिनमें से एक आरोपी पूर्व से उसके पति का परिचित था, दोनों ने बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता की मां की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। दोनों आरोपी मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। घटना प्रयुक्त गाड़ी जो कि मोहम्मद आरिफ चलाया करता था को भी बरामद किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा चुका और दोनों आरोपियों को सैंपल लिए जाकर फिलहाल हेतु फोरेंसिक एफएसएल भिजवाए जाएंगे। प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र गुणवत्तापूर्ण विवेचना जाएगी और प्रभावी तैयारी करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।